भाई फ़र्ज़ करें कि एक मुल्क में सौ करोड़ की आबादी है और यहाँ पर आजकल कल इंतबात चल रहे हैं तो एक सियासतदान है ए और एक सियासतदान है बी एक बात तो ये कि इस मुल्क में हर बंदे को वोट देना लाजमी है चाहे वो छोटा हो बड़ा हो बूढ़ा हो जो भी हो तो हर बंदा वोट देता है और वोट सिर्फ ए या बी को ही दे सकते हैं आप तो अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आबादी में से पी लोग बी को वोट देते हैं और एक माइनस पी लोग एक वोट देते हैं अब अगर हमें यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल करनी है ये जानने के लिए कि कौन जीतता है तो उसके लिए हमें इस फैलाव को बर्नोली फैलाव में तब्दील करना पड़ेगा और ऐसा इसलिए है कि ए और बी को तो हम आदाद शुमार में नहीं इस्तेमाल कर सकते तो बी को हम दिखा देते हैं एक से और ए को हम दिखा देंगे सिफर से अच्छा पिछली वीडियोज़ में हम ये बात जान चुके हैं कि बर्नोली डिस्ट्रीब्यूशन में जब इस तरह की सूरत हाल बनती है तो उसका जो मीन होता है यानी जो औसत क़दर होती है वो बराबर हो जाती है पी के भाई इस मुल्क में दस करोड़ की आबादी है इतने ज़्यादा लोगों से पूछना कि आपने ए को वोट दिया या बी को काफ़ी लंबा चौड़ा और नामुमकिन सा काम है इसलिए हम ऐसा करते हैं कि पूरी आबादी में से नमूने ले, ले लेते हैं और फिर नमूने का फैलाव बना लेते हैं और फिर उस फैलाव के ज़रिए हम आबादी की औसत क़दर या आबादी का सैम्पल प्रपोर्शन या आबादी के मैारी इहराफ के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं खैर इस वीडियो में हम खूस पी को देख रहे होंगे यानी हम पी के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे और फिर ये भी मालूम करेंगे कि उस अंदाज़े में गलती की हद क्या है चले फिर ऐसा करते हैं कि पूरी आबादी में से सौ लोगों का नमूना लेते हैं ये हमारा सैम्पल साइज़ और इस नमूने से हम फिर जायज़ा लेते हैं जायज़े में पता चलता है कि ए जो कि बराबर है सिफ़र के उसको सतावन लोग वोट देते हैं और बी जो कि बराबर है एक के उसको सौ माइनस सतावन लोग यानि तैतालीस लोग वोट देते हैं भाई जायज़े का नतीजा भी हमें मिल गया अब इसके ज़रिए हमें नमूने की औसत क़दर यानी सैम्पल मीन और नमूने का तगैर यानी वेरियंस मालूम करना होगा तो औसत क़दर मालूम करने के लिए हम पहले तो ये निशान बना लेंगे और ये बराबर होता है जितने लोग ए को वोट देते हैं जरब एक ए की कदर कि सिफर के बराबर है जमा उतने लोग जो कि बी को वोट देते हैं जो कि तैतालीस के बराबर है ज़रब एक की क़दर जो कि एक के बराबर है और इस पूरी चीज़ को हम तकसीम करते हैं नमूने की तादाद से और नमूने की तादाद सौ के बराबर है कैलकुलेटर में ये सारी एकदार डालकर जब हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास तैंतालीस बटा सौ आ जाता है क्योंकि ये तो बराबर हो जाता है सिफ़र के और इसको मज़ीद हल करें तो हमारे पास सिफर अशारिया चार तीन आ जाता है तो वही नमूने की औसत क़दर तो हमारे पास आ गई अब आते हैं तगैुर पे तगैुर के लिए हम ये निशान इस्तेमाल करते हैं और ये बराबर होती है उतने लोग जो कि ए को वोट देते हैं और उसको हम जरब देंगे उसकी कदर से नमूने की औसत कदर के फासले के स्क्वायर से तो ये बराबर हो जाएगा सिफ़र माइनस सिफर अशारिया चार तीन का स्क्वायर इसमें हम जमा करेंगे जितने लोग बी को वोट देते हैं यानी तैंतालीस और इसको हम ज़रब दे रहे होंगे बी की कदर से नमूने की औसत क़दर के फासले के स्क्वायर से तो यहाँ पे फिर एक माइनस सिफर अशारिया तैंतालीस का स्क्वायर आ जाएगा और भाई इस पूरी चीज़ को हम तकसीम करेंगे नमूने की तादाद जो कि सौ है माइनस एक से कैलकुलेटर में जब हम ये सारी इकदार डालेंगे और इसको हल करेंगे तो नमूने का तगैर बराबर आ जाएगा सिफर अशारिया दो चार सात पाँच के अच्छा जब हमारे पास नमूने का तगैर आ जाता है तो नमूने का मायारी इनराफ मालूम करना तो बाएं हाथ का खेल होता है हमें बस इक्वेशन के दोनों हिस्सों का स्क्वायर रूट लेना होगा यूँ फिर नमूने का मायारी इनहराफ बराबर आ जाएगा सिफर आशारिया दो चार सात पाँच के स्क्वायर रूट के और इसको कैलकुलेटर में डालकर जब हम हल करेंगे तो हमारे पास कुछ सिफ़र अशारिया चार नौ सात आएगा जिसको हम राउंड ऑफ़ करके सिफर आशारिया पाँच की सूरत में लिख सकते हैं अच्छा यहाँ तक तो हमें अंदाजन मालूम हो गया कि भाई कितने लोग ए को वोट दे रहे होंगे कितने लोग बी को दे रहे होंगे लेकिन भाई सवाल यह है कि इतने से लोगों से जायज़ा लेकर क्या हम पूरी आबादी की अच्छी तरह से नुमाइंदगी कर रहे होंगे चलें ऐसा करते हैं कि इस पूरी कहानी को ज़रा और तफसील से देखते हैं ऐसा करते हैं कि इस नमूने की औसत क़दर के इर्द गिर्द एक ऐसा वक्फा बनाते हैं जिस पर हमें पचानवे फ़ीसद अहतमाद हो कि जो हमारा असली मीन है यानी जो पॉपुलेशन मीन है वो उस वक्फे के अंदर ही होगा अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हुई हैं तो आप फौरन समझ गए होंगे कि मैं कॉन्फिडेंस इंटरवल यानि इतमाना वक़ा के बारे में बात कर रही हूँ ऐसे करते हैं कि इसको ज़ाहरी तौर पर भी देख लेते हैं एक दफ़ा अच्छा ये औसत कदर हमें एक नमूने से मिली है अगर हम बहुत सारे नमूनों की औसत क़दर लेते जाएंगे तो हमारे पास नमूनों की औसत क़दर का एक फैलाव आ जाएगा और इसकी जो औसत क़दर होगी वो कुछ यहाँ होगी इस औसत क़दर को मैं इस निशान से दिखा सकती हूँ बल्कि यहाँ पर यह निशान भी आएगा और अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियोस में हमने ये भी देखा था कि इस तरह के ग्राफ के जो औसत क़दर होती है वो बराबर होती है असल में आबादी की औसत कदर के और आबादी की औसत क़दर बराबर होती है पी के जो कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को दिखा रहा होता है यानी आबादी के तनासब को दिखा रहा होता है चले साथ ही इस फैलाव का मयारी इहराफ यानी स्टैंडर्ड डिविएशन बना लेते हैं अब भाई नमूने की औसत कदर कर नमूने के फैलाव का जो मायारी इहराफ होता है उसको हम इस निशान से दिखाते हैं ये है ये फ़ासला और साथ में ये ये वाला फ़ासला भी है तो ये बराबर होता है आबादी के मायारी इनहराफ बटा सैंपल की तादाद के स्क्वायर रूट के भाई इस फॉर्मूले को मैं फिर से साबित नहीं करूँगी अगर आपको नहीं याद आ रहा कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के बराबर क्यों हैं तो मेरा मशवरा यह है कि पिछली वीडियोस देखें उनमें हमने सिमुलेशन के ज़रिए भी इस बात को समझा था फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं भाई यहाँ पर एन की क़दर सौ के बराबर है तो ये चीज बराबर हो जाएगी आबादी के मयारी इहराफ बटा सौ के स्क्वायर रूट के इसको मज़ीद हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा आबादी का मयारी अनहराफ बटा दस अब मसला सिर्फ यह है कि हमें आबादी का मयारी अनहराफ मालूम ही नहीं है इसको मालूम करने के लिए तो हमें दस करोड़ की आबादी से जायजा लेना पड़ेगा और वो मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि काफी नामुमकिन सा काम है तो भाई अब करें क्या हम तो फंस गए तो भाई इस मयारी इहराफ का अंदाज़ा लगाने के लिए हम अपने नमूने के मयारी इहराफ को इस्तेमाल करेंगे मैं फिर से दोहरा लूँ कि हमें इसकी बिल्कुल दुरुस्त कदर नहीं मिल सकती हम यहाँ पर अंदाज़ा लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास आबादी का मीारी इहराफ मौजूद नहीं है और इसकी जगह हम नमूने का मयारी इहराफ इस्तेमाल कर रहे हैं और ये सिर्फ़ एक नमूना है इसलिए हम ये बिल्कुल नहीं फ़र्ज़ कर सकते कि ये बिल्कुल ठीक क़दर है और ये बिल्कुल इसके बराबर होगी हम ये मायारी अनहराफ जो मालूम कर रहे हैं वो बस एक हल्का पुल्का सा अंदाज़ा है तो ये तकरीबन बराबर होगा सिफ़र अशारिया पाँच बटा दस के इसको मज़ीद हल करेंगे तो हमारे पास सिफ़र अशारिया सिफ़र पाँच आ जाएगा अच्छा अब जब हमने इसका अंदाज़ा लगा लिया है तो हम इस मीन के आसपास एक इंटरवल एक वकफ़ा बनाएंगे जिस पर हमें अतमाद होगा कि हमारा मीन पचानवे फ़ीसद उसी वक़े में पाया जाएगा अच्छा इस वीडियो में हमने बहुत सारी बातें कर लीं काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है तो भाई मैं यहाँ पर अपने आप पर ब्रेक लगाऊंगी और अगली वीडियो में हम यहीं से बात को आगे लेकर बढ़ेंगे चले फिर अगली वीडियो में मिलते हैं